हेलो एवरीवन, दिस इज मनन मोहन तिवारी एंड यू वाचिंग योर चैनल फिनांशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। देखो, आज जो हम बात करेंगे, आज बहुत सारे पॉइंट मैं कवर करूँगा। जैसे कि आज मार्केट को भी कवर करेंगे, उसके बाद म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँगा। आज जो एक न्यूज़ है म्यूचुअल फंड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और वाकई में ये जो न्यूज़ है, ये म्यूचुअल फंड में तेजी ला दिया है। कई दिनों से जो फ्रैंकलिन का जो 6 डेप्थ फंड है, उसके वाइंड अप के न्यूज़ के चलते बहुत सारे म्यूचुअल फंड में तेजी नहीं, ऑलमोस्ट गिरावट देखा गया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन स्टार्ट कर दिया था। अब जो आरबीआई ने जो आज एक स्टेप लिया है, जो बहुत बड़ा न्यूज़ है। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है, अब बहुत जल्दी ही सॉल्व होने वाला है। हो सके तो सेबी और आरबीआई इस पे एक्शन लेगा, और वही हुआ। तो यहाँ पे आरबीआई ने ऑलमोस्ट कहें तो 50,000 करोड़ का रकम जो है इशू किया है म्यूचुअल फंड के लिए। देखो, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे आप देख रहे थे डेप्थ फंड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद। तो जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे आरबीआई ने वो सॉल्व कर दिया। तो अब ये पैसा कैसे म्यूचुअल फंड को मिलेगा? पैसा जो ये म्यूचुअल फंड को मिलेगा, पहले आरबीआई वो बैंक को देगी और बैंक म्यूचुअल फंड को देगा। इट मींस कि बैंक से अगर जो भी म्यूचुअल फंड, अगर मान लो जितना एयूएम है उसका 20% बैंक से म्यूचुअल फंड ले सकती है लिक्विडिटी के तौर पर। हाँ, हालांकि उस पे जो है इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड को, और ऐसे जो लोग रिडीम करवाएंगे उनके लिए वो लिक्विडिटी इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत लोग टेंशन में थे कि वाकई में ये कोई बड़ा स्कैम ना हो जाए। कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि ये एक स्कैम है, आप समझा नहीं पा रहे हो और शायद आप समझ नहीं रहे हो। लेकिन एक स्कैम नहीं था, एग्जैक्टली द प्रॉब्लम ये हुआ था कि यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हुआ था, और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आरबीआई ने आज सॉल्व कर दिया। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा सुरक्षित है। कई लोग जो टेंशन में थे कि अब मेरे डेप्थ फंड का क्या होगा, अब मेरे म्यूचुअल फंड का क्या होगा, आज एक पॉजिटिव न्यूज़ आया और वाकई में ये अच्छी है। इस पॉजिटिव न्यूज़ के चलते जो जो एएमसी के शेयर हैं उसमें तेज़ी देखा गया। जैसे कि हम एचडीएफसी एएमसी की बात करें, निपोन की बात करें, बहुत सारे एएमसी हैं उसमें ज़्यादा तेज़ी देखा गया स्टॉक्स में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिला। तो जो म्यूचुअल फंड न्यू इन्वेस्टर हैं, जो अपने आप को यहाँ पे रोक रखे थे कि यार अब लग रहा है म्यूचुअल फंड में भी गिरावट होगा, क्या पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, रिडम्पशन में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मेरे को 2 महीने 3 महीने के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट हो, लिक्विड फंड में कोई डालूं तो कहीं पैसा मिले या ना मिले, आप एग्जैक्टली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेंशन फ्री हो जाए। जो लोग ये सोच रहे थे कि मैं अपने SIP को रोक देता हूं क्योंकि इस सिचुएशन में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है और मैं अभी SIP नहीं करता हूं, तो वो भी स्टार्ट कर दे टेंशन फ्री होके, क्योंकि अब लिक्विडिटी का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है। चलिए, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, आज मार्केट की भी बात करें तो मार्केट बहुत अच्छा रहा, खुलते के साथ बढ़त देखने को मिला, और जो क्लोजिंग टाइम था उस समय अगर सेंसेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के बढ़त पर क्लोज हुआ। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 150 पॉइंट पर क्लोज हुआ। लेकिन कौन कौन से टॉप गेनर हैं, हम उस पर फोकस करेंगे, टॉप लूजर पर भी फोकस करेंगे, और ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखा गया। वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे स्टॉक्स में क्या आज इंट्राडे का ऑप्शन था, एग्जैक्टली ऐसे स्टॉक्स में मैं कौन कौन से स्टॉक्स में जिसमें आज इंट्राडे का ऑप्शन था और एग्जैक्टली आप पैसा कमा सकते थे। तो सबसे पहले जो टॉप गेनर हैं, जो आज के डेट में टॉप गेनर हैं, उस पर फोकस करते हैं। आपके सामने टॉप गेनर है, ये देख सकते हो। सबसे पहले इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। यहाँ जो प्राइस चल रहा है 407 रुपये करीब में चल रहा है। देखो, मैंने कुछ महीने पहले इंडसइंड बैंक पे बताया था कि एग्जैक्टली इस शेयर में आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है और इस शेयर से आप पैसा कमा सकते हो, अगर लॉन्ग टाइम के लिए जाते हो तो ये अच्छा आपको रिटर्न देगा। वहीं पर अगर आप 10 दिन और 5 दिन के टॉप गेनर में देखोगे तो ये हमेशा लिस्ट में आ जाता है। इंडसइंड बैंक का जो टॉप गेनर प्राइस देख रहे हो 407 रुपये करीब में, और 6 से 7% का यहां गेन हुआ है। वहीं पे अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो 5 से 6% का यहां पे तेजी देखा गया है, ऑलमोस्ट 427 रुपए के करीब में ये चल रहा है। वहीं पे कोटक महिंद्रा की बात करें तो 1304 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 5 से 6% का तेजी इस स्टॉक में भी देखा गया है। ICICI बैंक की बात करें 347 रुपए पे चल रहा है, जो कि 3 से 4% का तेजी इसमें भी देखा गया है। बजाज फाइनेंस की बात करें 2044 रुपए का चल रहा है, इसमें भी 3 से 4% का तेजी देखा गया है। तो
देखो, इंडसइंड बैंक का एक तो आज क्वार्टरली मार्च 2020 का क्वार्टरली रिजल्ट भी था, उसके चलते आज ये तेजी देखा गया। एक्सिस बैंक का जो है वो कल क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, उसमें देखते हैं। हालांकि मेरे को लग रहा है एक्सिस बैंक में भी कल तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ पे हम आगे भी बात करेंगे कौन से स्टॉक में जो क्वार्टरली रिजल्ट था 4% के प्रॉफिट में आने के चलते उनका जो शेयर प्राइस था वो काफ़ी आज तेजी देखा गया, उसमें हम बाद बात करेंगे। लेकिन टॉप लूजर कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। टॉप लूजर की बात करें तो आपके सामने है, सबसे पहले NTPC की बात करते हैं, 1 से 2% का गिरावट, ऑलमोस्ट 92 रुपये का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे MNM की बात करें, यहाँ भी देख सकते हो 330 रुपये के करीब का शेयर है, 1 से 2% का यहाँ पे गिरावट है। देखो अभी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो काम है वो ठप हो गया है, लॉकडाउन में अभी कोई काम नहीं हो रहा, जिसके चलते ऐसे इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। HDFC बैंक की बात करें, जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग डे में बहुत अच्छा आपको प्राइस दे रहा था, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, आज उसमें गिरावट देखा गया 0.83% का। वहीं पे अगर ITC की बात करें तो 180 रुपये के करीब में इसका प्राइस है, 0.11% का नेगेटिव यहाँ पे आज देखने को मिला है। देखो एक चीज़ है, अगर आप FMCG प्रोडक्ट उठाकर देख लो, आप फार्मा के वो प्रोडक्ट उठाकर देख लो, जितने स्टॉक्स हैं आपको जब लॉकडाउन है इनमें तेजी देखा गया, लेकिन जब मार्केट अच्छा हो जाएगा, जब आप देखोगे कि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ तेजी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे सेक्टर में आपको गिरावट या थोड़ा सा आपको तो स्लो रिटर्न मिलेगा। एग्जैक्टली वही हुआ FMCG की बात करें, ITC की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा गिरावट है, क्योंकि ITC के गिरावट का यह है कि ITC के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूज होते थे, जो अभी लॉकडाउन के चलते यूज नहीं हो रहे, जैसे हम सिगरेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ITC का प्राइस है यहाँ पे डाउन हुआ है। लेकिन ऐसा कौन सा स्टॉक है जो बहुत ज्यादा आज बढ़त किया, आज आज उस पर आप इंट्राडे कर सकते थे? एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ माइंडट्री का। माइंडट्री का आज एक ऐसा स्टॉक था जिसका मूवमेंट हमेशा ऊपर की तरफ आज देखने को मिला है, उसके साथ ही जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव देखने को मिला है, 3 से 4% का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिला है, जिसके चलते माइंडट्री में बहुत अच्छा ट्रेड ऑप्शन था इंट्राडे के लिए और रिटर्न भी काफी अच्छा हुआ। देखिए 13 से 14% का बढ़त देखा गया माइंडट्री में, और देखते हैं कि इसका ओपनिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम बात करें तो ये जो 2 डेज का लो, जो आज का सबसे लो है 811 रुपये का है, वहीं पे अगर आज के हाई की बात करें तो 897 का, ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस कितना है। अगर 52 वीक लो की बात करें 652 है, और 52 वीक हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 1062 के करीब में यहाँ पे हाई का है। लेकिन आज के दिन में ही ऑलमोस्ट 80 से 90 रुपये का बढ़त देखा गया। देखो ये खुलते के साथ जो ये जो प्राइस था इसका 830 रुपये के, 825 रुपये के करीब में ये खुलते के साथ ट्रेड हुआ, और उसके बाद ये 894 रुपये पे भी गया। अगर इसके कहीं भी अगर आप बाय ऑप्शन कर लेते, कहीं भी बाय कर लेते, तो आज के लिए इंट्राडे के लिए बहुत ही सुपर हिट स्टॉक था और इसमें पैसा कमाया जा सकता था। एग्जैक्टली देखो, अगर आप इंट्राडे करते हो और वाकई में सोच रहे हो कि कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए कि जिससे पैसा बनाया जा सके, तो आज के दिन में ये स्टॉक से पैसा बनाया जा सकता था। लेकिन आपको मैं, अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप डेली प्रॉफिट बनाओ, आपको डेली कोई ना कोई स्टॉक लेना है, डेली कोई ना कोई ट्रेड करना है। एग्जैक्टली ऐसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के अगर आप 5 दिन में भी 2 दिन में एक अच्छा ट्रेड कर लेते हो तो रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, और आपको जो इंट्राडे का ऑप्शन है, जो अच्छे स्टॉक का फाइंड करते हो, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। देखो कई बार मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं, कई बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, और वैसे न्यूज़ को जान के आप इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे माइंडट्री का था। आज इंडसइंड बैंक में भी आप ट्रेड कर सकते थे क्योंकि उसका क्वार्टरली रिजल्ट आज हुआ। कल एक्सिस बैंक का देखते हैं कि कितना रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और उसके बेसिस पे एक्सिस बैंक में भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो आज जो था, आज कुल मिला के बहुत अच्छा दिन था। RBI ने 50,000 करोड़ म्यूचुअल फंड के लिए इशू कर दिया। वहीं पे अगर देखे तो जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज उसमें तेजी देखा गया, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला है। देखो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका था कि जब मार्केट अच्छा होगा तो बैंकिंग सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिलेगा। आज NBFC में भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिला, जिसके चलते मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, और कुल मिला के अगर बात करें तो आज बहुत ही अच्छा दिन था, चाहे वो म्यूचुअल फंड की बात करें या स्टॉक मार्केट की बात करें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कुछ भी क्वेरी हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके क्वेरी जनरेट कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।